बैंक का रश हो रहा है यार, इतनी भीड़ यार। आए थे जब भीड़ नहीं थी, अब जाने पे। तो हेलो गाइस, अब सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरे को बहुत जल्दी उठा दिया यार। इतनी जल्दी मैं उठता नहीं हूँ वैसे। और अब अजमेर जा रहे हैं, अजमेर के लिए तैयार हुआ, अजमेर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ साजिद भाई का, साजिद भाई मुझे लेने आ रहे हैं। और मैंने सुबह पहली रोड देखी, देखो कितनी खाली पड़ी है यार, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। सुबह का ये माहौल मैंने तो काफ़ी दिन बाद देखा, स्कूल टाइम पे देखता था, अब तो काफ़ी दिन बाद देखा है। तो देखते हैं कैसा सफ़र जाता है। ऐसा सुनसान तो नहीं जाएगा, बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। जित भाई तो मुझे लेने आ गए, पर हम दोनों को भी कोई और लेने आ रहा है। साजिद भाई कौन लेने आ रहा है अपन को? इनायत भाई आ रहा है भाई। इनायत भाई लेने आ रहे हैं यार, अब इनायत भाई का वेट करो। इनायत भाई का वेट हुआ पूरा। इनायत भाई कौन सी ट्रेन खरीदी है आपने? जम्बू ट्रेन नाम है, जम्बू जम्बू ट्रेन नाम है। इनायत भाई कितने में खरीदी है? 35.5 करोड़ में। 35.5 करोड़ में खरीदी है भाई ने, उसमें हमें अजमेर लेकर जाएंगे। तो इनायत भाई आपने ट्रेन खरीदी है, ट्रेन का डिब्बा खरीदा है या सिर्फ सीटें खरीदी हैं? अरे पूरी ट्रेन ही खरीदी है भाई, भाई पूरी ट्रेन खरीदी है भाई, का रुतबा बहुत तगड़ा है भाई। तो है गाइस, ट्रेन तो हमारी छूट गई, तो बस में सफ़र करना पड़ रहा है। जो हमने वो खरीदा था ना, पूरी ट्रेन ही खरीदी। क्या बोला तूने? अभी तो रुको। इनायत भाई कितने में खरीदी है? 35.5 करोड़ में। कहाँ से आते हैं ये? Many hours later. वेलकम टू अजमेर गाइज, हम अजमेर आ चुके हैं, अब आपको दिखाएंगे अजमेर के। अब हम आ चुके हैं अजमेर, ये देखिए। अरे दरगाह के बहुत क्लोज आ गए, और ज़्यादातर वैसे यहाँ पर भीड़ होती है, पर इस बार तो भीड़ है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ यहाँ पर, इतनी भीड़ है नहीं इस बार। हम आते हैं ज़्यादा, अगर बहुत भीड़ होती है, कदम रखने की जगह नहीं होती, पर आराम से चल रहे। और अब दरगाह में जाएंगे अंदर, पहले चादर वद्दर चढ़ाएंगे, ज़ियारत करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ। जो कहते हैं कि 2.5 दिन में बना था शायद, लोग कहते हैं यहाँ पर कि 2.5 दिन में बना था वो, और बहुत खूबसूरत इमारत है। चलो देखते हैं 2.5 दिन के झोपड़े को।
अभी मालूम हुआ है कि ढाई दिन का झोपड़ा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ढाई दिन का मेला लगा जाता था, इसलिए इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ढाई दिन में बना नहीं, बहुत पुरानी है। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे तो नमाज होती है और टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर। मैंने आपको दिखाई है लोगों चारों तरफ। सो ढाई दिन के झोपड़े के बाद नमाज अदा करी और नमाज पढ़कर हम निकले बाहर, और बाहर हमने देखा बहुत प्यारा व्यू। और उसके बाद हम किसी दोस्त के घर पे ठहरे, वहाँ पर चाय पी, खाना खाया। फाइनली गाइस थक चुके, अब जाने की तैयारी है, बैटरी रिक्शा करें अपन। कम से कम 3 घंटे में घर पहुँचेंगे, बहुत लंबा सफ़र है, थक गए यार बुरी तरीके से। मज़ा भी आया और नींद भी बहुत आ रही है, घर जाके सोएंगे। ट्रेन में सफ़र करेंगे, अब हमारी ट्रेन खरीद ली है भाई ने, ट्रेन खरीद ली ना भाई, अब खरीद ली ट्रेन भाई ने भाई आधे समय तो कर दिया भाई ने काम, अब खरीद ली ट्रेन, अब जाएंगे घर, ट्रेन से जाएंगे। हम सब ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, अब ट्रेन आएगी और ट्रेन में घुस जाएंगे हवा की तरह। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं और बहुत ज्यादा थका हुआ हूं मैं, सो सोएंगे और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना आपका भाई का चैनल। बाय। तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं।